ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। अगर आपका कोई भी मनोकामना ही कोई भी इच्छा है, बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं, भैया हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कई सारे व्रत कर लिए, कई प्रकार के उपाय भी कर लिए, नहीं व्यापार में उन्नति हो रही है, ना ही नौकरी लग रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर और समझ करके बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 11 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। लेकिन उपाय बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जो भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए समझते हैं इस उपाय को कैसे करना है। लेकिन एक बात और बता दूं, इस पूरे वीडियो में दो बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहला उपाय की बात करते हैं जो कि आपको चावल से करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए बस आपको 11 चावल के दाने लेना है और जो आप 11 चावल के दाने लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है और साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र और जो आप बेलपत्र लेंगे वो कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं और साथ ही आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। अपने घर से जल भरना है, बाकी कहीं से नहीं। ये बात समझ में और इन सारे सामग्री को लेकर आपको जाना है शिवजी के मंदिर। एक बात और बता दूं, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। देखिए, मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तु करते हुए आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। पूरा जल नहीं समर्पित करना है, बस आपको थोड़ा सा करना है और बाकी जल आपको बचाना है। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को क्या करना है, शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्त भीम का जाप करते हुए। देखिए, इतना चीज कर लेने के बाद जो आप 11 चावल के दाने लेकर गए हैं, उन चावल के दाने को अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग के सामने बैठ कर के जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, चाहे वो से जुड़ी हो या नौकरी से जुड़ी हो या धन से जुड़ी हो या आर्थिक समस्याओं से जुड़ी हो, यानी कि आपके मन में जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको ध्यान करनी है, प्रार्थना करनी है और साथ ही आपको श्री शिवाय नमोस्तु का जाप भी करनी है। इतना चीज कहते हुए उन 11 चावल के दाने को ठीक शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको समर्पित कर देना है और उसके बाद जो आप तांबे के पात्र में जल बचा है आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तु का जाप कर सके। आई बात समझ में। उसके बाद शिवलिंग के सामने 2-3 मिनट आपको बैठनी है और दोनों हाथ जोड़ कर के दोनों आँख बंद करके जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको बोल देनी है, यानी कि प्रार्थना कर लेनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को आप यदि सावन में किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपका हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। तो बात करते हैं पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए अब दूसरे उपाय के बारे में। अब बोलोगे, भैया इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपका कोई भी मनोकामना कोई भी अधूरी रह गई है, जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो काम अधूरा रह जाता है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए बस आपको थोड़ा सा घी लेना है, मात्र आपको एक चम्मच ले लेना है और साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र और जो आप बेलपत्र लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं और साथ ही आपको लेना है एक तांबे का पात्र और उन तांबे के पात्र में आपको जल भर लेना है और इन सामग्री को लेकर आपको जाना है शिवजी के मंदिर। देखिए, ये भी उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। देखिए, मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है। जो लोटे में आप जल लेकर आए हैं,
सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तु विहम का जाप करते हुए जल समर्पित कर देना है। देखिए जल समर्पित कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं और थोड़ा सा घी लेकर आए हैं, उन बेलपत्र पर क्या करना है, उन घी से आपको अच्छी तरीके से लेपन करना है। श्री शिवाय नमस्तु वियम का करते हुए आपको अच्छी तरीके से लेपन करना है पूरे बेलपत्र को, यानी कि तीनों पत्ती पर आपको अच्छी तरीके से लेपन करना है। आइए बात समझ में, और उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग के सामने खड़े होकर जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी आपका काम अटक रहा है, जो भी मनोकामना अधूरी रह गई है, आपको वो चीज बोलनी है, यानी कि आपको प्रार्थना करनी है, मन में ध्यान करनी है और इतना चीज कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को क्या करना है, आपको ठीक शिवलिंग के भाग समर्पित कर देना है और उसके बाद शिवलिंग के सामने 2-3 मिनट आपको बैठनी है और दोनों हाथ जोड़ कर के दोनों आँख बंद करके जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कह देनी है। यकीन मानिए इन दोनों उपाय में से यदि सावन के महीने में किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपका हर मनोकामना हर इच्छा पूर्ण होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बाकी उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते की वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।